दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट आ चुका है कल और उसका रिजल्ट कैसे देखें और दोस्तों वास्तविक स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और परसेंटाइल स्कोर और कट ऑफ लेखपाल। और दोस्तों मैं अपने एक दो जो जानने वाले हैं साथी उनका मैं रिजल्ट भी बताऊंगा, उनका वास्तविक स्कोर दो लोगों का बताऊंगा आपको, केवल नॉर्मलाइज्ड स्कोर और परसेंटाइल स्कोर उनका कितना है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि अपना रिजल्ट देखेंगे कैसे, यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट देखेंगे कैसे। तो दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, फिर दूसरा आता है डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, फिर जेंडर फिल करना होगा, फिर उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा, क्या कैप्चा जो अंशांश होंगे लेटर्स होंगे उनको फिल करना होगा, उसके बाद आपका ये वास्तविक स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसा मैंने बताया आपको दो तीन साथी का अपने स्कोर बताऊंगा जो मेरे जानने वाले हैं, मैंने जिनसे बात की कल तो उन्होंने बताया है स्कोर कितना क्या निकला, उन्होंने चेक किया है तो दोस्तों उनका मैंने स्कोर चेक किया था तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उनके एक थे साथी मेरे, उनका स्कोर निकला जैसे राम मार्क्स, ये पहले वास्तविक स्कोर कितना है उनका 74.75 है। ठीक है 74.75। फिर एक दूसरे नॉर्मलाइज स्कोर कितना उनका है तो दोस्तों 75। अभी दोस्तों इनका दोनों का हम डिफरेंट भी देखेंगे कितना क्या डिफरेंट आ रहा हो वास्तविक स्कोर और परसेंटाइल स्कोर में, 75.39 और ये परसेंटाइल स्कोर दोस्तों इनका बना है 97.3048। ठीक है दोस्तों ये परसेंटाइल स्कोर उनका बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये, अब एक ये एक साथी, एक एक साथी का ये है, एक दूसरे साथी और बताऊंगा उनका क्या। दोस्तों इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं, देखो ये वास्तविक स्कोर परसेंटाइल स्कोर में कितना बड़ा डिफरेंट है और ये दोस्तों नॉर्मलाइज स्कोर में इनके नंबर कुछ बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर बढ़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे दोस्त का, तो दोस्तों उनके रॉ मार्क है जो कुल 59, वास्तविक स्कोर कितने 59 है, फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क हो गए दोस्तों उनका 61, कितना 61, और फिर है परसेंटाइल मार्क उनके, परसेंटाइल कितना हो तो 84 उनका परसेंटेज आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनके में कितना वास्तविक स्कोर और इसके परसेंटाइल स्कोर में कितना डिफरेंट है, और इसमें भी दोस्तों 51 इनके कितने मार्क पड़ गए, 51 मतलब दो मार्क इनके नॉर्मलाइज हुआ तब इनके दो मार्क बढ़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, कितने दो मार्क बढ़े हैं ये दोस्तों, इस पर आपका फर्स्ट शिफ्ट का है, ये फर्स्ट शिफ्ट के साथी हैं और ये सेकंड शिफ्ट के हैं, इन्होंने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था। तो दोस्तों दोनों में कुछ कुछ मार्किंग हुई है, बढ़े हैं आप सभी के मार्क। तो दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ अभी हम नई वीडियो बनाएंगे, एक दो दिन में बनाने वाले हैं, लेकिन जब तक जैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर पता चले उसके बाद थोड़ी जैसे कुछ न्यूज आए तब मैं आपको जानकारी क्लियर दूंगा, यूं नहीं मैं मनगढ़ंत कुछ भी आपको बोल दूं। दोस्तों ये मैं नंबर चेक किए थे तभी मैं आपको बता रहा हूँ दो साथियों के। दोस्तों अगर आपके स्कोर अच्छा है तो दोस्तों अपना भी स्कोर कमेंट बॉक्स में करिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं दोस्तों इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उन सभी के प्रैक्टिस सेट कराया करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।